बस्ती जिले की वाल्टरगंज थाने की पुलिस और स्वाट टीम ने 5 अंतर जनपदीय तारकोल चोरों के गैंग का खुलासा किया। पकड़े गए चोरों के पास से 3.5 लाख कीमत का 26 ड्रम चोरी का तारकोल और पिकअप बरामद हुई है। पकड़े गए तारकोल चोर अयोध्या, रवि, करण, लल्ला और ब्रजेश अमेठी जिले के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि बीते 17 फरवरी को वाल्टरगंज थाना के पुराना गांव के पास से 16 ड्रम तारकोल चोरी हो गया। उसके बाद 22 फरवरी को दोबारा 22 ड्रम तारकोल चोरी हो गया, जिसके बाद सड़क बनवा रहे ठेकेदार जटाशंकर सिंह ने तारकोल चोरी की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया? ये थाना वाल्टरगंज में दो घटनाएं हुई थी 16 फरवरी को और 21/22 की रात को। इसमें पीडब्ल्यूडी का कुछ काम चल रहा था, वहाँ पे ड्रम तारकोल के चोरी हो गए थे। एक दिन 16 ड्रम हुए थे, एक दिन 22 ड्रम हुए थे। इसमें हमारे थाने की टीम और एसओजी सर्वेलेंस की टीम ने बहुत अच्छा गुड वर्क किया। इसमें आज 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, अयोध्या, रवि, करण, लल्ला और ब्रजेश की। 26 ड्रम रिकवर हुए हैं और एक पिकअप रिकवर हुआ है। इसमें कुछ लोग और वांछित हैं, ये गैंग के रूप में कार्य करते हैं और इसमें एक अभियुक्त करण का अच्छा खासा आपराधिक इतिहास है 2020 से। बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई गई है और अग्रिम कार्रवाई पर चलती है। लोगों की गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? इनकी गिरफ्तारी यही मुखबिर की सूचना पर हुई, मनोरी चौराहे से गिरफ्तारी हुई और बाकी उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। सर, क्या कुछ बरामद किया गया है लोगों के पास? इनसे बरामद की हुई है 26 ड्रम तारकोल और एक पिकअप ट्रक जो उन्होंने चोरी में यूज किया था, वो बरामद हुआ। थैंक यू।